हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये रेडमी का गो है जिसमें पासवर्ड लॉक लग गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें पासवर्ड लॉक लग गया है। इसमें मैंने जो पासवर्ड लॉक लगाया था वहाँ मैं भूल गया हूँ, और दूसरा कोई भी पासवर्ड डाल के जब हम लोग इसे अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड लिख के आता है। तो क्या करेंगे, चलिए आज मैं इसका पासवर्ड लॉक अनलॉक करके आपको दिखाता हूँ, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोन का डिस्प्ले का लाइट जला लेंगे। अब पावर बटन दबा के हम लोग रखे रहेंगे। अब यहाँ पावर ऑफ का ऑप्शन आ गया, इस पर टैप करके इसे फ़ोन को ऑफ कर लेंगे। अब हमारा फ़ोन ऑफ हो रहा है, जब तक ऑफ ना हो जाए तब तक हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ आगे क्या करना है ध्यान से देखते रहिए। ऑफ हो गया। अब यहाँ देखिए, सबसे ऊपर वॉल्यूम अप बटन है, उसके नीचे वॉल्यूम डाउन बटन है, और सबसे नीचे पावर बटन है। तो हम लोग क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन को दबा के रखना है और पावर बटन को प्रेस करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम अप बटन हम लोग दबा दिए, उसके बाद जाके पावर बटन दबा दिए, इसी तरह दबाए रखेंगे। जैसे यहाँ MI लिख के आएगा पावर बटन छोड़ देंगे, आ गया पावर बटन छोड़ दिए। और जैसे ही यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा तो हम लोग वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ देंगे, आ गया अब वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है नीचे में नो कमांड। तो अगला ऑप्शन लाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पावर बटन को दबा के रखे रहेंगे और वॉल्यूम अप बटन को एक बार क्लिक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पावर बटन हम लोग दबा दिए, उसके बाद वॉल्यूम अप बटन को एक बार क्लिक कर दिए, नहीं हुआ फिर से ट्राई करते हैं। पावर बटन दबा के एक बार वॉल्यूम अप बटन को क्लिक कर दिए, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ सबसे ऊपर में देखिए, यहाँ सबसे ऊपर में लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट। तो हम लोग क्या करना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पर आ जाना है। वॉल्यूम डाउन बटन दबा के हम लोग वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पर आ जाएंगे। आ गए, अब हम लोग अब इसी पर रहेंगे और पावर बटन दबा देंगे। चलिए पावर बटन दबा देते हैं। अब यहाँ लिख रहा है नो, नीचे लिख रहा है यस, तो वॉल्यूम डाउन बटन से यस पे आ जाएंगे। आ गए, अब हम लोग ओके कर देंगे पावर बटन से, तो हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट हो चुका है, यहाँ लिखा चुका है डाटा वाइप कंप्लीटेड। अब यहाँ सबसे ऊपर में लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ, तो हम लोग इसी पर रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए पावर बटन दबा देते हैं। जैसे पावर बटन दबाएंगे हमारा फ़ोन जो है वो रिबूट मोड में चला जाएगा। तो जब तक हमारा फ़ोन रिबूट होकर खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए तब तक हम लोग को वेट करना है। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, ये हार्ड रिसेट प्रोसेस है। हार्ड रिसेट कम्प्लीट हो जाने के बाद अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंस जाते हैं, मतलब ARP लॉक में फंस जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पे जाए वीडियो के लिंक पे क्लिक करें, वीडियो को देखें और अपने फ़ोन का ARP लॉक भी बाईपास करें। दिक्कत आने पर आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं अपने वीडियो थोड़ा सा भगा दिया हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब हमारा मोबाइल खुलने वाला है, देख सकते हैं हमारा मोबाइल अब खुल चुका है। अब हम यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ स्टार्ट पर टैप करके स्टेप बाय स्टेप जाके अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।